हाई एवरी वन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? आज है 29th February, जो कि 4 साल में सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा डे आता है 29th February। इसमें काफ़ी लोग एक्स्ट्रा मस्ती करते हैं, एक्स्ट्रा धमाल करते हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्स्ट्रा मेकअप करूँगी। इसका मतलब ये है कि आज न्यूड मेकअप लुक और सटल मेकअप लुक तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं करूँगी ग्लैम मेकअप लुक, सॉरी एक्स्ट्रा ग्लैम मेकअप लुक। अब इस एक्स्ट्रा डे में एक्स्ट्रा ग्लैम मेकअप लुक कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी। नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कुछ चीजें जो मैंने ऑलरेडी पहले कर ली हैं, जैसे कि मैंने लेंस लगा लिया है विच इज इन द शेड कैरमल ब्राउन। उसके बाद कुछ मैंने स्किन प्रेप के स्टेप्स भी कर लिए थे, जैसे कि टोनर, अंडर आई क्रीम एंड अ मॉइस्चराइजर। आई चोज अ मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू माई स्किन टाइप। क्योंकि मेरी स्किन टाइप ड्राई है, आई चोज अ थिक मॉइस्चराइजर फॉर माई स्किन। ये 3 स्टेप्स फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं CTM। अब हम बढ़ते हैं मेकअप की तरफ, और मैं मेकअप में सबसे पहले अपनी आईज कंप्लीट करूंगी, बिकॉज जो भी फॉल आउट होगा उसको हम बाद में हटा सकते हैं और बेस भी खराब नहीं होगा। फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक अ लिक्विड कंसीलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड अप्लाई इट ऑल ओवर माई लिड एज माई आई बेस। इसको मैं अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर लूंगी। जिनकी भी पिगमेंटेड आईज होती है या आपको कलरफुल आई शेडो करना है, उसके लिए ये स्टेप काफी अच्छा है। अब अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं आपको आई शेडो पैलेट बता दूं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। पहली आई शेडो पैलेट जो मैं यूज़ करूंगी, डैट इज कॉल्ड 24/7 पासपोर्ट आई शेडो पैलेट, जिसमें आपके ब्यूटीफुल शिमर शेड्स भी आ जाते हैं और बोल्ड मैट आई शेडोज भी आ जाते हैं। मैं एक और आई शेडो पैलेट यूज करूंगी, जिसका नाम है पार स्टेज द मिस्टिक ग्लैम 20 आई शेडो पैलेट। ये आई शेडो पैलेट बिगिनर से लेके एडवांस तक सब यूज कर सकते हैं। इसमें ट्रांजिशन शेड्स, प्रेस्ड ग्लिटर, शिमर शेड्स सब अवेलेबल है। इसके साथ आपको एक ह्यूज मिरर भी मिलता है। तो अगर आपके पास यही आई शेडो पैलेट वैनिटी में है, तो आप इससे बोल्ड आई लुक से लेके न्यूट्रल आई लुक सब क्रिएट कर सकते हो। मैंने सबसे पहले लिया है एक ट्रांजिशन शेड, और उसको मैं लगा रही हूँ आउटर कॉर्नर और क्रीज में, जस्ट एज अ ट्रांजिशन शेड। नाउ टू डिफाइन माई क्रीज, आई एम टेकिंग द डीप पर्पल आई शेडो एंड अप्लाइंग इट ऑन माई क्रीज यूजिंग अ पेंसिल आई शेडो ब्रश, और उसको मैं ब्लेंड करूंगी एक फ्लफी आई शेडो ब्रश से। आई मेकअप लुक करते वक्त काफी लोग ये गलती कर देते हैं कि एक आई का पिगमेंट ज्यादा लगता है, दूसरे आई का पिगमेंट कम लगता है। तो हर स्टेप में आपको ध्यान देना है कि दोनों तरफ आप इक्वल पिगमेंट लगा रहे हो। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अ गोल्ड शिमर शेड, एंड ओ माई गॉड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना पिगमेंटेड होगा ये। आई टुक अ गोल्ड शिमर शेड एंड अप्लाई इट ऑल ओवर माई लिड। बिकॉज आज हम एक्स्ट्रा मेकअप कर रहे हैं, तो वो जो गोल्ड है ना, मुझे वो एक्स्ट्रा पॉपिंग दिखाना था। आई टुक अ प्रेस्ड ग्लिटर शेड एंड अप्लाई इट अबव दैट। एज द नेम सजेस्ट, आपको इस ग्लिटर को अपनी आईज में प्रेस करना है। नाउ आई टुक द बोल्ड मैट येलो आई शेडो एंड अप्लाइड इट राइट ऑन माई इनर कॉर्नर। क्योंकि मैंने प्रेस ग्लिटर लगाया है, शिमर शैडो लगाया है, तो उसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फॉल आउट होगा। मेक श्योर बेस करने के पहले ये सब क्लीन हो। नाउ लेट्स मूव टू दी बेस, आई एम गोना कलर करेक्ट। मेरा कलर करेक्टर के बिना तो काम चलता ही नहीं है, सो आई एम गोना टेक अ डार्कर शेड। दिस इज द स्विस ब्यूटी कंसीलर इन द शेड 06। इफ यू हैव वेरी इंटेंस डार्क सर्कल्स, देन गो फॉर द कलर करेक्टर स्विस ब्यूटी ऑरेंज कलर करेक्टर। Now let's move to the foundation. I'm using the Swiss Beauty Airbrush Finish Full Coverage Foundation. काफी full coverage है, but lightweight भी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Otherwise जो full coverage foundation होते हैं वो lightweight नहीं होते, but with this one it's lightweight, it's full coverage. जितने भी scars हैं आपके, pimples हैं, उसको अच्छे से hide करता है ये। यू गाइज कैन सी इन रियल टाइम कितनी ईजली ब्लेंड हो रहा है ये। मैंने कोई भी फास्ट एडिट नहीं करा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ईजली ब्लेंड होता है ये फाउंडेशन। आई रियली रियली लव दिस फाउंडेशन।
Now I'm gonna do something that you guys might find it weird. मैं ले रही हूँ Swiss Beauty का illuminating primer और मैं लगा रही हूँ अपने foundation के ऊपर, base के ऊपर. I know काफ़ी लोग कहते हैं base में ये mix कर लो या base के पहले as a primer लगाओ, but मेरे को ये base के ऊपर लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है for that extreme dewy effect. You guys can clearly see in the video कि कितना ज़्यादा dewy and juicy look आता है. Do try this once and trust me, you guys will love it. आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको उसको बहुत प्यार से बाउंस करना है, रगड़ना नहीं है. नाउ आई एम टेकिंग दी चीक इट अप ब्लश इन दी शेड 02 शो स्टॉपर. इट वॉज वेरी इजी टू वर्क विद दिस ब्लश. काफी नेचुरल है, काफी इजिली ब्लेंड होता है. नीचे का जो फाउंडेशन है वो भी बिल्कुल मूव नहीं करा इसको लगाने के बाद. ब्लश प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो मैंने कहा मैं आपको एक और ये प्रोडक्ट बता दूं फ्रॉम स्विस ब्यूटी, दिस इज दी बेक्ड ब्लशर एंड हाइलाइटर. इसमें आपको ब्लश के साथ हाइलाइटर मिक्स मिलता है, तो अगर आपको मैट ब्लशेस नहीं पसंद है, थोड़ा ग्लोई लुक पसंद है, तो डेफिनेटली चेक आउट दिस प्रोडक्ट. बेस ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो ही गया था बट आई वॉन्टेड टू ब्राइटन माई अंडर आईज, तो मैंने एक लाइट शेड का कंसीलर लगाया अगेन फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड ब्लेंडेड इट रियली वेल. And then I'm going to set my face using the Swiss Beauty Loose Finishing Powder. This one is in the shade 01 Translucent. Don't worry guys, मैं जितने भी products use कर रही हूँ उसकी link नीचे दी गई है. For extra discount, make sure to check the description box. Now let's quickly complete the eye makeup look. सबसे पहले मैं ले रही हूँ purple eye shadow and applying it over my lower lash line. Purple color को अच्छे से blend करने के बाद I took the yellow, popping yellow matte eye shadow and applied it on my inner corner. You have to make sure जो आपने yellow color लगाया inner corner वो बिल्कुल भी weird नहीं लगना चाहिए, out of nowhere नहीं लगना चाहिए. तो आपको उसको अच्छे से connect करना है lower lash line से भी. अब मैं लगा रही हूँ purple color का काजल from Swiss Beauty. This one also comes in many beautiful shade. आप इसको eyeliner की तरह, काजल की तरह से भी यूज कर सकते हो. स्मज प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है. आई ऑल्सो अप्लाइड दी स्मज लाइनर यूजिंग दी डार्क ब्राउन आई शेडो. इफ यू गाइज वॉन्ट यू कैन यूज दी स्विस ब्यूटी आई लाइनर पेन विच कम्स इन अ ब्यूटिफुल पैकेजिंग. आई लाइनर स्मज प्रूफ है और वॉटर प्रूफ भी, और क्या चाहिए. To complete my eye makeup look, I'm going to curl my lashes and apply my favorite mascara. This is the Swiss Beauty Lift and Curl Mascara. Hands down, this is the best affordable mascara I have ever used. अगर आप चाहो तो लैशेज स्किप कर सकते हो, बट टुडे आई एम गोइंग टू अप्लाई लैशेज एंड दिस वन इज इन द वेरिएंट पिक्सी. आई हैव मोर देन 6 आई लैशेज फ्रॉम स्विस ब्यूटी बट समहाउ आई ऑलवेज एंड अप अप्लाइंग पिक्सी ऑन माय आईज. ये वेरिएंट मेरे आईज में काफी अच्छे से सूट करता है. नाउ आई एम गोइंग टू फिल माय ब्राउज यूजिंग द आईब्रो पेंसिल. आई एम ओनली फिलिंग माय गैप्स एंड ब्रशिंग माय आईब्रोज अप. मेरे को नेचुरल आईब्रोज बहुत अच्छी लगती है. Now using the Cheekaboo palette, I am going to apply powder blush and a powder highlighter. Because base already काफी ज़्यादा dewy था और मैंने blush भी पहले लगाया था, तो मैंने काफी कम product लगाया इधर. Now let's complete the makeup look. I am going to apply a Hold Me Matte Liquid Lipstick. This one is in the shade Cute Nude. I am trying to do ombre lips here. मैंने lipstick को brush से blend करा है, कोई भी harsh line नहीं आने दी है. Then I am going to apply a lip gloss and here I am using the Swiss Beauty Plump Up Lip Gloss in the shade Barely There. मेरे पास इस रेंज के सारे लिप ग्लॉसेस हैं एंड लेट मी टेल यू आई एब्सोल्युटली लव ईच एंड एवरी शेड ऑफ दिस रेंज. सारे शेड्स इतनी हाई शाइन प्रोवाइड करते हैं, सच अ ग्लॉसी फिनिश. यू गाइस कैन सी हियर, आई एब्सोल्युटली लव दिस ग्लॉस. डेफिनेटली चेक आउट दिस प्रोडक्ट. And this is my final look. Do let me know in the comment section what do you guys think about this makeup look. I absolutely loved creating this makeup look for you. Make sure to check the description box for all the product links. With that, we come to an end to this video. Make sure to hit that subscribe button. If you guys like this makeup look, make sure to comment down below. Aur aaj extra comment karke jana. Milte hain next video mein. Tab tak ke liye take care, stay safe. Bye bye.